हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर अब सूबे की जयराम सरकार गंभीर नजर आ रही है। दरअसल राज्य में बुधवार को एकाएक 1800 से भी ज्यादा मामले सामने आने के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कोविड-19 स्थिति को देखते हुए पाबंदियों को और सख्त करने के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह चिंता का विषय है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लिहाजा अब नियमों को और सख्ती से लागू किया जा सकता है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इसी संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सभी मुख्यमंत्रियों की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 14 जनवरी को होने वाली कैबिनेट की बैठक में कोरोना की ताज़ा स्थिति के बाबत चर्चा होगी, जिसके बाद सरकार इस बाबत फैसला ले सकती है। तो सबसे पहले लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी प्रदेशवासियों को, आप सभी को। और जहां तक लोहड़ी की बात है, अब की बार सेलिब्रेशन का दौर बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि प्रदेश में ज्यादा नहीं हो पाएगा। कारण कोविड के कारण थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस भी लगी है और हम अपने यहाँ पर भी सरलता से जिस तरह से एक त्योहार को मनाने की दृष्टि से सहजता से उसको मनाएंगे, इसमें कोई सेलिब्रेशन वाला इस तरह का वो विषय नहीं होगा। और कोविड के विषय को लेकर के अभी प्रधानमंत्री जी के साथ हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद सारी चीजों को हम कुछ कहने की स्थिति में हो पाएंगे। लेकिन इस तरह है कि हिमाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं पूरे पिछले कुछ दिनों में बहुत तेजी से बढ़े हैं और पिछले कल तो बहुत बड़ा नंबर जो है 1850 के लगभग एक्टिव केस एक दिन में आए हैं, जो बहुत बड़ा नंबर है हिमाचल के हिसाब से। चिंता का विषय है, लेकिन फिर भी एक थोड़ा संतोष का विषय यह है कि अभी तक हॉस्पिटल में एडमिशन की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं पड़ रही है। एक दो दिन बुखार और ज्यादातर केसेस इस तरह के हैं और जिसके कारण लोग घर में होम आइसोलेशन में रह करके ही अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं और अपना देखभाल कर रहे हैं। सरकार की ओर से जो बेस्ट पॉसिबल मदद उनको होम आइसोलेशन में जो की जा सकती है वो कर रहे हैं। जिस लगी हैं उनको भी कोविड हो रहा है, ऐसे अनेकों मामले हमारे सामने प्रदेश के अंदर भी है, देश के अंदर भी। तो ऐसे में यही है कि बचाव ही एकमात्र रास्ता है जिसके लिए बेहतर ढंग से करना चाहिए। वैक्सीनेशन का एक रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और उस रोल को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि वैक्सीनेशन के कारण बचाव बहुत ज्यादा हो रहा है तो माइल्ड हो रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा एक। देखिए अब मुझे लगता है कि आज का भी हम आंकड़ा देखना चाहते हैं, शाम को 7 बजे हमारी रिपोर्ट आती है, उसके मुताबिक डिसाइड करेंगे। कल कैबिनेट भी रखी है, कैबिनेट में हम अंतिम निर्णय। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़े ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।